माय यूट्यूब चैनल लेट्स प्ले विद स्टॉक मार्केट। दोस्तों जब हम बात करने वाले हैं फ्यूचर रिटेल लिमिटेड के बारे में, एक ब्रेकिंग न्यूज निकल करके आ रही है अभी आधे घंटे पहले की न्यूज आपके साथ प्रेजेंट करना चाहूंगा। और न्यूज अपने आप में बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है फ्यूचर रिटेल के बारे में। यहाँ पे फ्यूचर रिटेल को बहुत बड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। जो यहाँ पे हाईकोर्ट की तरफ से यहाँ पे जो ऑर्डर आया है वो अपने आप में बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, तो उसके बारे में पूरी बात करेंगे। उससे पहले बता दूं, मैंने काफी वीडियोज यहाँ पे अपलोड करे हुए हैं, आप इनको देख सकते हो। मैं डेली बेसिस पे 4 वीडियो अपलोड करता हूँ फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। अभी बात करना चाहूंगा पहले फ्यूचर रिटेल की सिचुएशन क्या थी उसके बारे में, तो उसके लिए बता दूं 62.25 रुपये पे यहाँ पे क्लोजिंग, 2.5 रुपए के आसपास डाउन, 4% की बड़ी गिरावट यहां पे देखने को मिली। गिरावट के पीछे कई रीजन है, एक तो मार्केट है, मार्केट में काफी दिनों से फॉल चल रहा है, एक तो रीजन है, एक तो साइड वाला रीजन है। परंतु यहां पे आज जो हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया, मुझे लगता है पहले ही काफी लोगों को यहां पे पता चल गया होगा, जो बड़े बड़े लोग हैं उनको पता चल गया होगा कि हाईकोर्ट में क्या होने वाला है। इसी के चलते काफी दिनों से यहां पे भयंकर बिक वाली हमें दिखाई दे रही है। तो दोस्तों सीधा मैं आपको न्यूज़ पे लेके जाके यहाँ पे क्या न्यूज़ निकल करके आई है, क्या हाईकोर्ट ने बोला है, उसके बारे में ही सीधा बताने की कोशिश करूंगा। आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करूंगा। यहाँ पे मैं ब्लूमबर्ग प्रिंट की वेबसाइट पे लेके आया हूँ और यहाँ पे खबर अभी आई है दोस्तों, आप देख सकते हो 5:53 और अभी मैं 6:20 के आसपास बात कर रहा हूँ। लगभग मुश्किल से आधा घंटा हुआ है इस खबर को आते हुए, आपके सामने एकदम लेटेस्ट न्यूज़ प्रेजेंट करने जा रहा हूँ। यहाँ पे हेडलाइन पढ़िए दोस्तों, फ्यूचर रिटेल वर्सेज अमेजन, दिल्ली हाईकोर्ट अपहोल्ड इमरजेंसी एबिलिटेटर्स अवार्ड। तो दोस्तों यहाँ पे पूरी न्यूज़ पढ़ने की कोशिश करेंगे और न्यूज़ में क्या लिखा है वो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। सिग्निफिकेंट विन फॉर amazon.com इन द दिल्ली हाईकोर्ट हैज अपहेल्ड द इमरजेंसी एबिलिटेटर अवार्ड, द यूएस ई कॉमर्स जायंट हैड वन अगेंस्ट द फ्यूचर रिटेल लिमिटेड। तो दोस्तों यहाँ पे हाल फिलहाल में जो सुनवाई थी, यहाँ पे दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला निकल करके आया है कि यहाँ पे जो इमरजेंसी एबिलिटेटर में यहाँ पे जो केस जीत गई थी और उसका जो फैसला था, यहाँ पे मैं सिंगापुर की बात कर रहा हूँ जहाँ पे यहाँ पे अमेजोन केस जीत गई थी, तो उसी फैसले को हाल फिलहाल में तो दिल्ली हाईकोर्ट ने जारी रखा है। ऐसा यहाँ पे कोर्ट की तरफ से आज की सुनवाई में डिसीजन निकल करके आया है, जो कि मुझे लगता है काफ़ी लोगों को, बड़े बड़े लोगों को पहले से ही पता हो गई थी, जिसके चलते अभी मैं आपको चार्ट पे देखूंगा कि बड़ी गिरावट देखने को मिली और यहाँ पे जो एक मेजर सपोर्ट था वो बिल्कुल तोड़ दिया है। मुझे लगता है अपने आप में बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं है। साथ ही साथ यहाँ पे दिल्ली हाईकोर्ट ने और एक फैसला किया है, उसको भी बताने की कोशिश करूंगा। अ सिंगल जज बेंच ऑफ जस्टिस JR मिधा हैज इम्पोज 20 लाख पेनल्टी ऑन फ्यूचर ग्रुप एंटिटीज। द कोर्ट हैज इश्यूड नोटिस टू किशोर बियानी एंड अदर, हैव आस्क्ड देम टू बी प्रेजेंट इन द कोर्ट फॉर द नेक्स्ट डेट ऑफ हेयरिंग एट April 20। तो दोस्तों साथ ही साथ यहाँ पे फ्यूचर ग्रुप को 20 लाख की पेनल्टी भी मारी है दिल्ली हाईकोर्ट ने, और यहाँ पे किशोर बियानी जो कि फ्यूचर ग्रुप के मालिक है, और उसको यहाँ पे नोटिस जारी करी है कि अगली जो सुनवाई है 20 अप्रैल को वहाँ पे आपको बिल्कुल प्रेजेंट रहना है। तो यहाँ पे सीधा सीधा फैसला देखें तो अमेजोन की पक्ष में जाता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके चलते हमें रिलायंस में तो बड़ी गिरावट देखने को मिली, साथ ही साथ फ्यूचर रिटेल में भी बड़ी गिरावट हमें देखने को मिल रही है। मैं आपको इंकरेज करूंगा यहाँ पे ब्लूमबर्ग प्रिंट की वेबसाइट पे आके आप इस पूरी न्यूज़ को एनालाइज करने की कोशिश करें। यहाँ पे मैं कारोबार की सिचुएशन आपको प्रेजेंट करना चाहूँगा और उसके बाद लास्ट में आपके साथ चार्ट भी डिस्कशन करूँगा। यहाँ पे फ्यूचर रिटेल लिमिटेड 62.25 रुपये पर क्लोजिंग, 2.30 रुपये डाउन, 4% की बड़ी गिरावट। यहाँ पे क्वांटिटी की बात करें 38,54,000 शेयर की ट्रेडिंग, जिसमें से 19,43,000 शेयर की डिलीवरी, हालांकि परसेंटेज ऑफ डिलीवरी 50% से भी ज़्यादा है। तो डिलीवरी तो यहाँ पे उठाई गई है, परंतु मुझे लगता है कि आप जो चार्ट की सिचुएशन है वो बिल्कुल सूटेबल नहीं है। इसके लिए मैं आपको अभी चार्ट पे सीधा लेके आया हूँ, 1 डे की टाइम फ्रेम यहाँ पे मैंने सेलेक्ट करी है और आपको मैं लेवल आइडेंटिफाई करने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे देखे दोस्तों 62.25 रुपये के आसपास क्लोजिंग है, तो नीचे मैंने क्यों कोई भी लेवल ड्रॉ नहीं किया पता है आपको? क्योंकि यहाँ पे जो आज क्लोजिंग हुई है वो ऑल टाइम लो पे क्लोजिंग हुई है। जो यहाँ पे मेजर सपोर्ट था, जो कि कोरोना में भी नहीं टूटा था, आप देख सकते हो दोस्तों कोरोना काल में भी सपोर्ट नहीं टूटा था, वो सपोर्ट आज उसने हालांकि 2 दिन पहले ही तोड़ दिया है। सपोर्ट निकल करके आ रहा है 66 रुपये के आसपास का, अभी ऊपर निकलेगा तो जो सपोर्ट था वो अभी रेजिस्टेंस बन जाएगा, 66 रुपये के आसपास अभी रेजिस्टेंस आएगा, उसके ऊपर 70 और उसके ऊपर 75.50 का जो लेवल है वो एज ए रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा। परंतु यहाँ पे देखे कितने दिन के पहले यहाँ पे गिरावट चालू हो चुकी है, लगभग 5 दिन से कंटिन्यूसली यहाँ पे गिरावट चल रही है। तो पहले ही दोस्तों यहाँ पे अंदाजा है बड़े बड़े लोगों को, और यहाँ पे वो माल बेच करके बिल्कुल भाग गए हैं।
तो अभी मैं तो आपको वही करूंगा कि आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर का यहाँ पे सलाह लें, और आप अपने माल लेकर के बैठे हैं तो आपको कुछ डिसीजन लेना पड़ेगा। मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आप यहाँ पे माल होल्ड करना चाहो तो होल्ड भी कर सकते हो, और बेच के टेम्प्रेरी निकलना चाहो तो वो भी कर सकते हो, चॉइस इज योर्स। दोस्तों मैं चाहूँगा यहाँ पे अपनी स्टडी तो कंडक्ट करनी है, उसके बाद ही कोई डिसीजन लेना है, और खास करके अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि अभी जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल आ चुके हैं। 24 का यहाँ पे RSC का लेवल बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड। और यहाँ पे बात करूँ, मेरी तरफ से एडिशनल हेल्प चाहिए, मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही साथ बताना चाहूँगा, जिस किसी ने जरिए तो अकाउंट ओपन नहीं किया या तो फिर करवाना चाहता है, वो यहाँ पे मेरी दी गई लिंक से अकाउंट ओपन करेगा तो मेरी तरफ से उसको एडिशनल हेल्प मिलेगी। मेरी जो प्राइम चैनल है उसमें उनको जगह दी जाएगी। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और दोस्तों मेरा बिल्कुल भी ये ध्येय नहीं कि मैं आपको पैनिक करके माल बिकवाऊँ, यहाँ पे जो सिचुएशन है उसके बारे में मैंने बताने की कोशिश करी है। थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।